Now, we'll take the next set of questions. Now, it is given that 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma is equal to 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma. We are given. We have to show that, ST for show that, one of the values of each member of this quantity is sin alpha, sin beta, sin gamma. इसका मतलब ये क्या हुआ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो वैल्यूज दी हैं उनकी एक वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी होगी. मतलब जो लेफ्ट साइड है 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, इसकी एक वैल्यू क्या आएगी सॉल्व होके साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा. इसी तरह जो राइट साइड है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एक वैल्यू ये जरूर आएगी. वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, प्रूव दिस, ये शो दैट. तो इफ यू लुक क्लोजली, जब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर 1 प्लस कॉस अल्फा है, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1, तो अगर इस तरीके का कुछ दिया हो तो क्या करना चाहिए हम लोग को, किस लाइन पे सोचना चाहिए कि रैशनलाइज कर दें. तो क्या कर सकते हैं, लेट से ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई दिस बाय दिस बोथ साइड, तो क्या होगा, जब लेफ्ट साइड पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कॉस गामा उसका स्क्वायर हो जाएगा. बट राइट साइड क्या होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा हो जाएगा. अब इफ यू लुक क्लोजली राइट साइड पे क्या दिख गया, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और थर्ड टाइम 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा. ये किसकी वैल्यू आई, 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर. तो हमें तो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा चाहिए, तो हम क्या कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा विल बी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट साइन अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा का अंडर रूट साइन बीटा, साइन स्क्वायर गामा का अंडर रूट साइन गामा. तो यानी 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस दिस, यानी या तो प्लस में ये वैल्यू आएगी या माइनस वाली भी आएगी. तो उसने ये तो कहा कि वन ऑफ द वैल्यूज इसकी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा आएगी, तो यस दिस इज ट्रू. वन ऑफ द वैल्यू क्या होगी, अगर पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये तो प्रूव हो गया. इसी तरीके से अगर हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है तो बस हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय इंस्टेड ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा से करेंगे. तो अब राइट साइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस गामा का स्क्वायर. एंड दिस टाइम लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, जिसे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा. अगेन वी टेक व्हाट, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, यानी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा. तो वन ऑफ द वैल्यू क्या होगी, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगी, वन ऑफ द वैल्यू विल बी डेफिनेटली साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा,
यानी दोनों साइड की वैल्यू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा आएगी, वन ऑफ द वैल्यूज विल बी दिस, अदर वैल्यू वुड बी माइनस साइन अल्फा माइनस और अदर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी है, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा टैन थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। ठीक है, तो जैसे ही आपने sec theta into tan theta देखा, you should go back to your identity. Identity sec theta और tan theta में क्या थी? 1 plus tan square was sec square theta. तो what can you write? Sec square theta minus tan square theta क्या हो गया? 1 हो गया. यानी sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, ये 1 है. But क्वेश्चन में sec theta plus tan theta की वैल्यू क्या दे रखी है? ये तो p दे रखी है, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? sec theta minus tan theta की. तो sec theta minus tan theta क्या आ गया? 1 upon 2. तो अब हमें sec theta minus tan theta भी पता है और sec theta plus tan theta तो गिवन है, तो व्हाट शुड वी डू? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. तो अगर हम इसे ऐड कर दें, एडिंग वन एंड टू तो क्या आएगा? टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू सेक थीटा क्या आएगा? पी प्लस वन अपॉन पी. तो हमें सेक थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू पी प्लस वन बाई टू, दिस इज योर आंसर. टैन थीटा कैसे आएगा? अगर हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दें, तो अगर हम 2 माइनस 1 कर दें तो sec थीटा कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा ऐड हो जाएगा, तो 2 tan थीटा की वैल्यू क्या आई? p माइनस 1 अपॉन p. तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 2 p माइनस 1 अपॉन p. नाउ अगर आप चाहें तो इसको और सिंपलीफाई कर लें, एलसीएम लेके p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p एंड दिस कैन बी रिटेन एज हाफ p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p. नाउ द लास्ट पार्ट हमें जो निकालना है इज साइन थीटा. अब ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, साइन थीटा कैसे आ सकता है? हमको पता है कि टैन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई टैन और सेक के टर्म्स में? टैन थीटा अपॉन ये सेक थीटा डिनोमिनेटर में ले जाए. And both these values are known to us. Tan theta की value क्या निकाली थी? P square minus 1 upon 2P. और sec theta की क्या थी? P square plus 1 upon 2P. 2P 2P gets cancelled. क्या answer है? P square minus 1 upon P square plus 1. Therefore sin theta की value क्या आई? P square minus 1 upon P square plus 1. Let's take the third question. This time question कहता है 3 into sin theta minus cos theta raised to power 4 plus 6 times sin theta plus cos theta square plus 4 times sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta minus 13 की value क्या है? We are given 4 options. ठीक है? Now, अगर formal method इसका देखें, तो what we'll do, हम एक-एक term को simplify करेंगे. तो सबसे पहले हम टर्म क्या लेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4. अब पावर 4 एक्सपैंड करना भी हमें आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे छोटे पावर्स में और फिर एक्सपैंड करेंगे. तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दें और ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस इज, एक तो हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख गया, तो वो तो 1 ही होगा. 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर. नाउ फिर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अगेन वील अप्लाई द फॉर्मूला. तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 4 साइन थीटा. तो द फर्स्ट पोर्शन इज दिस, ठीक है, सिंप्लीफाई. अब आते हैं सेकेंड पोर्शन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज क्वाइट सिंपल. पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा.
दिस कैन नॉट बी सॉल्व एनी फर्दर, यहाँ पे ही हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आइए थर्ड पार्ट, साइन रेस टू पास सिक्स थीटा प्लस कॉस रेस टू पास सिक्स थीटा। इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है और हो सके तो इसकी वैल्यू या फॉर्मूला मेमोराइज कर लें बिकॉज बहुत पूछा जाता है। तो क्योंकि हमारी सारी आइडेंटिटीज क्या है, स्क्वेयर में है, तो हम इसको स्क्वेयर में पलटने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर ए की पावर सिक्स लिखा है तो आई कैन राइट दिस इन टू वेज, साइन स्क्वेयर का क्यूब या सॉरी ए स्क्वेयर का क्यूब या ए क्यूब का स्क्वेयर। अब क्योंकि यहाँ साइन कॉस है तो आई विल डेफिनेटली वॉन्ट कि यहाँ साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर आए, ठीक है। तो कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, स्क्वेयर का क्यूब इंस्टेड ऑफ क्यूब का स्क्वेयर। इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का क्यूब। नाउ इफ यू थिंक दिस टू बी एज ए और दिस एज बी, तो क्या फॉर्म लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हम अच्छे से जानते हैं एक्सपेंड करना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। तो अप्लाई करिए, ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन रेस्ट पावर फोर थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो वन हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन है, इंटू अब आइए साइन फोर प्लस कॉस फोर। नाउ ये भी आपको बस रिमेंबर करनी है, अगर हो सके तो ट्राई टू मेमोराइज दिस। आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये मन में सोचिए, जैसे ए है, ये क्या है, बी है, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, व्हाई, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक चीज तो ये हो गई, तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी आर नॉट लेफ्ट विद 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई रिएट्रेट कि ये आपको याद होनी चाहिए, साइन सिक्स थीटा कॉस सिक्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ट्राई टू मेमोराइज दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा ये यूज होती है, दीज विल बी यूज इन क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर पार्ट, याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, मेमोराइज दिस, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमने सारे पार्ट्स क्लियर कर लिए, तो हमारा पहला पार्ट था 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रेस्ट पावर 4, इसकी वैल्यू ये आई थी, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट क्या था, प्लस 6 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू प्लस 6 इंटू उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड लास्ट पार्ट हमारा क्या था, प्लस 4 इंटू साइन 6 प्लस कॉस 6 और माइनस 13, तो प्लस 4 टाइम्स उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और लास्ट में माइनस। नाउ अब इसको ओपन अप कर दें ब्रैकेट, 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 13। तो प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 13 क्या हुआ, 0। देखो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
जी। नाउ अब ये वाला प्रोसेस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा। तो व्हाट डू यू डू इन सच क्वेश्चंस, द ट्रिक मेथड इज, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस इन्वॉल्व हो रहा है और हमने कहा था साइन और कॉस कि हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, साइन और कॉस में हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान एंगल कौन सा है, जो हमने 10th में ही पढ़ा था कि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। तो अगर हम ट्रिक मेथड लगाएंगे तो व्हाट वी यूज, वी विल यूज लेट से थीटा को हम कोई भी ले सकते हैं, पर सिंपलेस्ट क्या है, थीटा को जीरो ले लें, जीरो एंगल जीरो डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्ट्रेट अवे में आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, पुट दिस वैल्यू, थ्री साइन जीरो क्या होगा, जीरो, कॉस जीरो वन, प्लस सिक्स साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, प्लस फोर साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, -13। चेक करिए, -1 रेज टू पावर 4 इज वन, 6 × 1 इज 6, 4 × 1 इज 4, -13। द आंसर इज 13 - 13 जीरो। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, सीधे सीधे आप ट्रिक लगा सकते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज, पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, बट द सिंपलेस्ट वन इज या तो थीटा को जीरो रखिए या 90 रखिए। क्यों, क्योंकि थीटा जीरो पे साइन थीटा जीरो कॉस थीटा वन, कॉस जीरो वन, और अगर 90 रखेंगे तो साइन 91 और कॉस 90 जीरो। तो बहुत सिंपल तरीके से इनके आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।